हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पेंट 3D में मैजिक सेलेक्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और इसका इस्तेमाल किया क्यों जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए, मैजिक सेलेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है किसी इमेज में से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इमेज हमने ली हुई है। अब मान लीजिए कि मुझे अपनी इस इमेज को इस कैनवस से बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम मैजिक सेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे पेंट 3D में। ठीक है, अभी जब यूज करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैजिक सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैजिक सेलेक्ट का ऑप्शन आपको यहां मिलता है। ये रहा मैजिक सेलेक्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया तो कुछ ऐसा आपको कैनवस दिखाई पड़ेगा। और राइट साइड में देखिए मैजिक सेलेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और नीचे यहाँ पे कैंसल और नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर देखिए, इसने जो इमेज हमारी है उसको बाय डिफॉल्ट ले लिया है। अब मान लीजिए कि कोई हिस्सा, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये हाथ अगर छूट जाए, तो यहां पर देखिए मैजिक सेलेक्ट में आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐड और रिमूव। ठीक है, अगर कोई हिस्सा छूट गया हो ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे मैंने इमेज ली है, मतलब आपकी मतलब इमेज में कोई भी और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर उसमें कुछ का कोई हिस्सा छूट रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी ऐड हो जाएगा। अब अगर कोई हिस्सा ज्यादा छूट रहा है, मतलब कि जिसको आप चाहते हैं मतलब ना ऐड हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए रिमूव बटन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए रिमूव, तो ये दोनों ऑप्शन समझ गए आप। अगर हिस्सा ऐड करना है तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, और हटाना है तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई हिस्सा छूट नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक चीज और देख लीजिए, ऑटो फिल बैकग्राउंड। मतलब कि जब आप इमेज वहां से हटाएंगे तो बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट वो मतलब फिल कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको चेक मार्क रहने दीजिए, अदरवाइज यहां से चेक मार्क हटा दीजिए। तो मान लीजिए कि मैं चेक मार्क हटा दे रहा हूं, ताकि सबको क्लियरली समझ में आएगा कि मैजिक सेलेक्ट का फायदा क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहां से हटा दिया। उसके बाद यहां से डन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए हमने डन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए मैजिक सेलेक्ट नहीं, पिक्चर मतलब ये सेलेक्ट कर ली है। अब ये देखिए जो प्लस साइन बनकर के आ रहा है, इसको पकड़िए और पिक्चर को यहाँ बाहर की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि पिक्चर जो है वो कैनवस से एकदम अलग हो गई। ठीक है, कहीं भी आप रख सकते हैं ये देखिए। तो इस तरह से हम यूज करते हैं मैजिक सेलेक्ट का पेंट 3D में।